हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं अपनी नेक्सॉन की सर्विसिंग के लिए आया हूँ, जो कि फर्स्ट फ्री सर्विस है। और मेरी गाड़ी लगभग 1500 किलोमीटर चल चुकी है। मैं आपको प्री सर्विसिंग का हालत दिखाता हूँ। देखिए कितना ज़्यादा डर्ट लगा हुआ है, सब जगह पे गंदा हो चुकी है गाड़ी। उस साइड भी ऐसा ही है, नीचे मैट वगैरह भी ऐसा है। एक्सटीरियर में भी बहुत गंदगी दिखेगी आपको। अभी तो बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ी बहुत धुल गई है। ऐसे बहुत गंदी थी गाड़ी। और थोड़ा बहुत ट्रांसमिशन में कुछ अटक रहा है, मतलब रिवर्स गियर अच्छे से नहीं लग रहा है। तो ये सब देख के गंदी हो चुकी है एकदम। ये तो पता नहीं कैसा दाग लग चुका है, और ये स्क्रैच थोड़ा सा लग गया है। तो देखते हैं सर्विसिंग के बाद कैसी रहती है, कैसा काम होता है यहाँ पे। मैं ये टाटा मोटर्स अनन्या पे आया हुआ हूँ, यहीं से मेरी सेल्स हुई है गाड़ी की। तो चलिए देखता हूँ, बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे आज का अपॉइंटमेंट क्या मिला है, देखते हैं क्या होता है। अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादा चांसेस सर्विसिंग हो जाएगी। ये इधर कम गंदगी है, लेकिन इधर भी है। चलिए देखते हैं सर्विसिंग के बाद का, देखते हैं क्या होता है। A few moments later. वेलकम बैक वंस अगेन। गाड़ी की सर्विसिंग हो चुकी है, और ये मैंने लगभग 1500 किलोमीटर के बाद कराई है। तो ये देखिए, वॉशिंग वगैरह ठीक ठाक हुआ था। थोड़ा बहुत चल के आया वहाँ से, तो गंदगी आ ही गई है गाड़ी पे। और मैंने दो इशू बताए थे उसे, जो कि ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम था, गियर फंस के लग रहा था, कोई भी गियर, रिवर्स गियर तो कभी एक बार में नहीं लग रहा था। तो उसे रिजॉल्व कर दिया। और एक वीडियो है जो कि मैंने शूट किया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो वो देखिएगा। उसमें बूट के गेट पे, टेल गेट पे प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसका लॉक जो था उसे ठीक करवाना था। तो दो बार ऑलरेडी मैंने ठीक करवा लिया वहाँ जाके, लेकिन फिर उसी मैकेनिक ने बोला था कि सर्विसिंग के टाइम पे मैं इसको ठीक कर दूँगा। तो वही ठीक तो चेंज कर दूँगा, तो चेंज तो किया नहीं, बस देखा कि हाँ थोड़ा फंस रहा है, तो उसका लॉक थोड़ा ठीक कर दिया। बट ये सब डोर पैडिंग्स वगैरह पे अभी भी गंदगी है, और ये सब भी देखिए अच्छे से साफ नहीं किया है, गंदा रह ही गया है। ये पॉलिश किया, उसको भी सही से नहीं साफ किया, देखिए कितना ऐसा लग रहा है। तो इधर भी देखिए गंदा है ही। तो क्लीननेस के इस पर तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन पर वर्क किया इसने, ट्रांसमिशन सही कर दिया, और बूट गेट का भी सही कर दिया है। पहले भी सही था, लेकिन थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम आ रहा था तो वो भी ठीक कर दिया। फंस के गेट खुल रही थी, वो वीडियो मैंने डाल दिया है इधर राइट साइड में, तो देख लीजिएगा। चलिए ओवरऑल एक्सपीरियंस में बताऊँ तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक था, क्योंकि मैंने नंबर नहीं लगवाया था पहले से, और मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे जाना है, तो आप जल्दी से ये कर दो ताकि मैं जा पाऊँ। तो उन लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट सुनी और कर दिया। थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगा, क्योंकि रश थी, दो तीन दिनों की छुट्टी थी इस कारण से। बाय द वे, टाटा का सर्विस के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। तो वहाँ के भी लोगों से मैंने सुना कि हाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन मिला जुला के ठीक ठाक लगा मुझे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे वीडियो के लिए। मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।